गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी ने चमकौर की गढ़ी नूं रात वेले सिखां दी बेनती सुन त्यागन दा फैसला कीता है। भाई संगत सिंह उन्हां दे सीस ते कलगी सजाई है। भाई संगत सिंह गुरु गोबिंद सिंह जी जिन्ना कद उन्हां वर्गा फेस ते तन गुरु गोबिंद सिंह जी तो उम्र करके भाई संगत सिंह एक दिन छोटे, हजूर एक दिन वड्डे ने। भाई संगत सिंह एक दिन हजूर तो उम्र करके आरबला करके छोटे, उन्हां नूं कलगी सजा प्यारे भाई दया सिंह, धर्म सिंह और मान सिंह जी नूं नाल लिया। तुरंत तो पहला क्या आ जो तारा चमक रहा है, उस वेले तारे की सेहत ते भी लोग सबर करते सन कि सिंगो आ जो तारा चमक रहा है इसकी सेहत ते इनू देखते हुए आपां इकट्ठे होवांगे, पर मैं चुप करके नहीं जाना। कह लगे एक पास्यो मैं ताड़ी मारांगा कि पीरे हिंद मेरे वक्त, दूजे पास्यो भाई दया सिंह तुसी ताड़ी मारनी के पीरे हिंद मेर वद, ए फारसी दे शब्द ने, एदा अर्थ है कि ताड़ी मार के बोल के कहना है कि हिंद दा पीर जा रहा है। छुप के जबान चुप करके नहीं, गड़ी दा दरवाजा रात नूं खुलिया। इधर जेड़ियां फौजां ने घेरे पाए ने ओ अपना रोटी पानी रात दा अन्न पानी तैयार कर लगे। रात काफी निकल चुकी है। हजूर ने पहली ताड़ी मारी, ताड़ी मार के आवाज दिती के खिंद दा पीर जा रहा है। इको दम उबड़ वाहे अचन चेत ओ पहाड़ी राजियां दी फौज, मुगलां दी फौज, शाही फौज, सूबियां दी फौज उबड़ वाहे उठी। जिधरो आवाज आई उधर दौड़न लगे। इको दम ताड़ी दूसरी सुनाई दिती, आवाज आई खिंद दा पीर इस पास्यों जा रहा है। तीजे ने कहा इस पास्यों जा रहा है। उन्हां नूं समझना पए केड़े पास्यो खिंद दा पीर जा रहा है। असल विच रात अपने ही बंदियां नूं सारी रात तो कटदे रहे, वटदे रहे। धन गुरु गोबिंद सिंह चमकौर नूं छड के माछीवाड़े वाले पासे गए। इत्थे भावें कुछ कवि सजना ने पर इतिहासकार एक डॉक्टर करतार सिंह होए ने, मैं उन्हां दी रचना चो पढ़िया कि गुरु गोबिंद सिंह जदों निकले ने ते उन्हां ने लिखिया, मैं तां किताब दा जिक्र कीता क्योंकि कई बार हो सकेगा मनोकल्पित मिथ तो नहीं सुनाया जा रहा, यह मिथियोलॉजी नहीं, यह झूठ नहीं, यह गुरु गोबिंद सिंह दे जिगरे दे खून नाल लिखा हुआ उन्हां दा कीमती इतिहास है। जदों तुरे ने ते रस्ते विच कपड़े नाल हजूर दे चरण रुक गए, चरण रुके ते की देखिया कि पुत्र की लाश है, पुत्र का शरीर पिया है। उत्थे जिक्र किसी ने जुझार सिंह जी का, किसी ने बाबा अजीत सिंह जी का, पर मैं सिर्फ इको गल इना कि साहबजादे का शरीर कह ते देख चेहरे नूं देख के मुस्कुरा पै। कोई कह ऐसा बाप के पुत्र का शरीर सारी छाती ओदी जख्मां नाल भरी होवे, तीर विच धसे होण, खंजरां नाल चमड़ी चीरी होवे, ते बापू चेहरा देख के मुस्कुरा जाए केवल धन गुरु गोबिंद सिंह जी चेहरा देख के मुस्कुराए। प्यारे भाई दया सिंह कमर कसा कपड़ा खोलन लगे। हजूर ने खत पकड़ के पूछया दया सिंह ये कपड़ा कास लई? कह लगे सच्ची सरकार तुहाडे तीरां नूं सोना क्यों लगा सी? कह लगे दया सिंह गुरु किसे नाल वैर नहीं कमांदा, ध्यान दिया जी, गुरु अंदरों निर्वैर है, सतगुर सबना का भला मनाए। कह लगे इस करके सोना तीर नू लाया सी, जे मेरे तीर नाल कोई जख्मी होए ते ओदा इलाज कीता जाए दवाई पट्टी ना, जे किसे दी तीर नाल मौत हो जाए ते सोना वेच के ओदे अंतले संस्कार का अंतम ओदे किरिया का प्रबंध किया जाए। कह लगे सरकार सच्चे पातशाह तुसी ता दुश्मन दे पुत्रां उत्ते भी खफन पान लई सोना तीरां नाल भेज रहे हो, तेरे पुत्र कपड़े तो बिना ने जेड़े मखबली सेजां च पैंदे रहे। मेरा चित करदा मैं साहिबजादे दे चेहरे नूं ढक दी। हजूर ने बांह पकड़ के कहा दया सिंह कपड़ा बस्तर एक है, जिन्ने सिंह इत्थे शहीद ने हर सिंह विचों मेरे पुत्र की झलक पैंदी है,
ना कर जे सिंघां दे चेहरे नहीं ढके गए ते पुत्तर दा चेहरा आपां क्यों ढकना। चमकौर दी गड़ी तो अगे निकले इथो विछड़े ने तिन्ने सिंह वक्रे वक्रे रस्तियां ते। मैं सिर्फ बेनती करा रात हजूर तुरदे पए ने ते सारी रात पैरां विच जोड़ा नहीं, जोड़ा अपना चमकौर दी गड़ी विच रह गया। हुण कंडीले रस्ते ने झाड़ियां कंडे हजूर दे चरणां नूं कंडे चुभे, पत्थरां कंक्रीट उत्ते तुरे। भाई वीर सिंह उन्हां ने तां इथो तक लिखे है के सतगुरु के गोडिया तो थले इन्ने झाड़िया वाले मोड़िया ने धू धू के खून इना शरीर कटिया के महाराज जी कशहरा। यह मैं शब्द ता कह रहा जो लिखा है कशहरे के पहुंचे भी सतगुरु के खून न भिज के उन्होंने पवित्र इस लत के जुड़ गए सन। महाराज इतों तुरे ने तुरद्या तुरद्या रस्ते दो पठान मिले ने, एक का नाम अल्फू है ते दूसरे का नाम कामू है। इन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी पहचान लिया, रौला पाउन लगे कि गुरु गोबिंद सिंह फड़ा के आप इनाम लवांगे। हजूर ने अपने को मोहरां भी दित्तियां सजियां खामोश रहने लई, पर उन्होंने जदो चुप ना किते ते सच्ची सरकार ने अपनी कृपान दे नाल इतिहास ने कह गुंगा हो गया, पर नहीं दोनों नूं कृपान सूत के हजूर ने चिटका दिता। इस तो अगे तुरद्या तुरद्या हुण चेते रखो यह कली एक दिन का थकावट नहीं। आनंदपुर साहब रात तो चले ने, ध्यान दिया जे जिदन आनंदपुर छड़िया सारी रात सफर विच रहे ने। सरसा नदी के किनारे परिवार गुच्छ रहे सारा दिन सफर विच रहे ने। रात नूं चमकौर की गढ़ी आए सवेरे सारा दिन जंग विच पुत्रां नूं सिखां नूं तोड़दे रहे ते अज दूसरी तीसरी रात है कि धन गुरु गोबिंद सिंह तुरे जाते ने। कई दिन का कई रात का थकेवा भी है, शकन नू कुछ नहीं। आखिर महाराज माछी वाले जा पहुंचे जिथे गुरुद्वारा चरण कमल साहब है, उथे अज भी जंड मिलेगा। इतिहास कहता महाराज जी ने की किया खूह की उथे टिंड पई सी, उस टिंड के उपर टिंड शब्द मेरा ख्याल समझ जाएंगे ते जै दसणगे टिंड जिदे नाल खूह विचों पानी निकलदा उहनू कपड़े विच लपेट के सराहना बना के महाराज उस टिंड दे सराहना बना के जमीन ते सौ गए। पर सुते किवें ने, विश्राम किवें कीता है ओ देखो उत्थे इतिहासकारां ने महाराज जी दे पैण दा ढंग नहीं दस्सिया। जिहड़ा खब्बा पासा है धन गुरु गोबिंद सिंह जी दा इह बांह जमीन वाले पासे इस तरह पए ने, ते आ जिहड़ा सज्जा हाथ है सच्ची सरकार दा उहदे विच कृपाण श्री साहिब पकड़ीए ते श्री साहिब नूं धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने कुट के अपने सीने दे नाल लाया ते पै पै इस तरह ने कि पिछे झाड़ियां ने जिथों कि आदमी आउणा है इह खतरा है कि कोई आदमी इस पासिओं आ सकदा है। उधर हजूम मजूर मूंह करके लेट गए, सतगुरु विश्राम पै करदे ने ते माछी वाड़े नाल ही एक बाग है। वह बाग किसी होर का नहीं, वह गुरु घर के रह चुके मसंद भाई गुलाबे ते भाई पंजाबे का बाग है। उथे खूह भी है नजदीक, आप जी ने दर्शन किए होने। धन गुरु गोबिंद सिंह विश्राम पै करते ने, नौकर आया उन्हें देखा भी पैरों में कोई जोड़ा नहीं, बाग का गुलाबे का बाग उहदा नौकर पहुंचे। मैं थोड़ा जहा ऐसा चल रहा क्योंकि कई सजना क्या तेजी नाल काली नाल शब्द निकल जाते हैं। वह नौकर घर चो आया, उन्हें देखा कि एक सज्जन ब्याह है, उहदे हाथ विच नंगी कृपाण है, पैरां विच कंडे चुभे ने, जिहड़ियां पिन्नड़ियां ने लत्तां दियां वह खून नाल भरियां होईयां ने। विश्राम पै करदे ने टिंड दा सराहना बना के, पहला उठान का यत्न किया, फिर मन ने क्या मना पता नहीं कोई थकिया टुटे आया होने, नौकर नूं की पता आप आराम कर देंगे। इन्नी देर में तीन सिंह तारे की सेध थले दिशा वल चलते हुए उस थां ते आ पहुंचे जिथे हजूर ने। इत्थे देखो गुरु नानक जी की अंदरों सांझ होवे। प्यारे भाई दया सिंह कहिंदे ने आपां अगे जाइए ना, भाई मान सिंह पुछदे ने क्यों, कह लगे इंज लगता है कि जिवें सच्ची सरकार इत्थे किते आराम करदे पए।
मेरा चित नहीं करता अगे पैर पगन क्योंकि प्यार प्यार की राह हुंदी है। मैं कल सुबह भी एक बेनती अज शायद करके आया कि गुरु ग्रंथ साहब सिख ते गुरु का नाता की है। मां बच्चे पंगूड़े विच पा के जा मंजे ते लिटा के आप कम कर दिए का बच्चा गहरी नींद भी सुता है पर अचनचेत मां बच्चे नू सुते हुए नू उठांदी है। जे पुछिए मां तू सुते हुए बालक नू क्यों उठा रही है गहरी नींद विच कह वो कहती है नींद भी तां है पर इहदे अंदर भुख लग गई। जे पुछिए भुख लगी वो रोया भी नहीं उन्हें आवाज दे के क्या भी नहीं मां मैनू दुध दे तैनू किवें पता लग गया तेरे सुते हुए बच्चे नू भुख लगी है। मां कहती है असल विच जदों मैं काम कर रही हां घर दा मेरे सीने विचों दुध अपने आप सिमन लग पिया। मातावां बीबियां समझिए बाणी दा प्रमाण है अपने आप अमृत दुध सीने विचों निकलिया है ते जदों दुध अपने आप सीने विचों निकले ते मेरे बच्चे नू भुख लगदी उहनू अंदरों धू पैंदी है। जे सुते होए बच्चे नू भुख लगे ते मां दे कारजे नू समझ पै जांदी है ते जिहड़ा सिख गुरु नू अंदरों प्यार करदा है जिथे गुरु होवेगा सिख नू उथे धू पएगी ते जिथे सिख मुसीबत च होवेगा गुरु उथे पहुंचे। अमृत बचन असल प्रमाण है कि ज्यो जननी सुत जन पालती रख है नदर मजार अंतर बार मुख दे गरास खिन खिन पोचार त्यों सतगुर गुरसिख राखता हर प्रीत प्यार। भाई दया सिंह केंद्र ने चित नहीं करता अगे पैर पड़न नू इंज लगता है कि कलगी वाला किते इत्थे कहे सतगुरु सानू रोक रहे ने इन्नी देर नू नौकर आ गया जिन्हें पहला हजूर नू देखे उन्हें कहा भी तुसी लभदे हो किसे नू। भाई दया सिंह केंद्र ने खां कह लगा हां एक तुहाडे वर्गा वेशभूषा वाला जिस तरह तुसी कपड़े पाए ने इस तरह वस्त्र पा के उथे जंड थले विश्राम तय कर दे। उन्होंने पिंड का सराहना किया हथ उन्होंने नंगी कृपान गए प्यारे भाई दया सिंह का अंदर भर आया कह लगे धन गुरु गोबिंद सिंह सच्ची सरकार एती होणगे। जदों नौकर अगे लै तुरिया अगे अगे आप तुरिया हजूर नू देखिया इथे एक गुरमुख विद्वान ने लिखिया भाई वीर सिंह उन्हां ते कमाल कर दिती कह लगे सिखां ने हजूर दे चरण देखे पता किवें लगा महाराज जी दे हथ दे अंगूठे विच सी गुलशतराण। गुलशतराण कहिंदे आ कि जदों तीर चलाया जांदा ते तीर नू कमान दी तंदी ते चढ़ के तीर खिंचदे ने ਉਹ ਅੰਗੂਠੇ ਤੇ ਤਾਂ ਛੱਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਬਦ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਜੜੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਗੂਠੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੰਗੂਠੇ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੀਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ